वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बमपुल और यूजी को एक दुकान के बाहर बैठे देखते हैं। अब यहाँ पे यूजी बमपुल से पूछते हैं कि जब उसने फर्स्ट टाइम भूत को देखा था तो उसका क्या रिएक्शन था। अब यहाँ पे बमपुल उसे बताता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम घोस्ट को देखा था तो वो पूरी तरह से डर गया था और उसने अपनी पैंट भी गीली कर ली थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंकल म्यूचुअल उसके पास आए, जिसके बाद वह उसे अपने साथ ले गए और उसे काफी अच्छी तरह से समझाए। और वो यूजी से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ है। अगर फिर से भूत दिखाई दे तो वो उसे कॉल करे, वो फिर से चला आएगा। जिसके बाद वो उसको उसके घर पे छोड़ देता है और अपने घर पे जाता है। लेकिन जब बमपुल अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे अंकल म्यूचुअल उसका इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे बमपुल अपने अंकल से बताता है कि यूजी अभी तक घोस्ट को देख सकती है, तो क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अंकल म्यूचुअल उसे बताते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। धीरे धीरे यूजी को यह आदत छूट जाएगा और वो किसी भी भूत को नहीं देख पाएगी और वो पूरी तरह से चिल हो जाए। अब अगले सुबह जब यूजी सो के उठती है तो वो सबसे पहले बमपुल को मैसेज करती है और वे दोनों मैसेज में काफी अच्छी तरह से बातें करते हैं। अब यहाँ पे बमपुल भी उसे लिख के भेजता है कि आई मिस यू, जिसके बाद यूजी काफी खुश होती है। लेकिन वापस हम लोग उसी जंगल को देखते हैं जहाँ पे यौन जगह लास्ट मिला था और वहाँ पे एक आदमी और एक डॉगी टहल रहे थे, जिसके बाद अचानक से उस डॉगी को किसी चीज़ का एहसास होता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उस डॉगी ने फिर से एक लाश को खोज के निकाला था जिसका हाथ से बाहर निकला हुआ था और यहाँ पे ये आदमी काफी डर जाता है। वहीं पे हम लोग यूजी को देखते हैं जो ये प्रोफेसर के साथ थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यूजी के ट्रीटमेंट डॉक्टर कोई और नहीं प्रोफेसर ही है जो कि उसे धीरे धीरे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे लेकिन तभी अचानक से यूजी को किसी चीज का एहसास होता है। तब प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि क्या उसे किसी चीज का महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यूजी को वही एक्सीडेंट याद आ रहा था क्योंकि प्रोफेसर उसके बगल में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दे और वो पुरानी बातों को भूल जाए, जिसके बाद वो उसे बमपुल के यहाँ पे छोड़ने भी जाते हैं। अब यहाँ पे बमपुल यूजी को एक शॉप में लेके जाता है और वहाँ पे वो उससे कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहता है और कहता है कि वो जो चाहे खरीद सकती है। लेकिन वहीं पे हम दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि उन दोनों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए बमपुल के अंकल ने कहा था। थोड़ी देर के बाद बमपुल यूजी को लेकर फाइटिंग सिखाने के लिए लेके जाता है और वहाँ पे बमपुल यूजी को भूतों से लड़ने के लिए उसे फाइटिंग सिखाता है ताकि वो किस प्रकार से भूतों से लड़ सके। अब यहाँ पे ये दोनों तो फाइटिंग कर रहे थे लेकिन यहाँ पे एक दूसरे करीब आने का रोमांटिक सीन भी होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तभी अचानक से दोनों सीनियर्स वहाँ पे चले आते हैं। अब यहाँ पे ह्यूंग उन दोनों से कहता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइटिंग सिखाने के लिए कहा था, ना कि कुछ और। जिसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच बातें हो ही रही थी। थोड़ी देर के बाद ह्यूंग यूजी को काफी कमजोर समझता है, इसलिए वो उसे फाइटिंग करने के लिए कहता है, वो भी उसके साथ। यहाँ पे बमपुल उसे वार्निंग में देता है और कहता है कि वो संभल के रहे। लेकिन यहाँ पे यूजी काफी जोश में था। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है लेकिन अचानक से यूजी उसे काफी बुरी तरह पीटने लगती है। अब यहाँ पे सभी का रिएक्शन काफी बुरी तरह से वाट लगने वाली थी। अब थोड़ी देर के बाद बमपुल यूजी को घर पे भी छोड़ देता है, जहाँ पे उसकी मोम उसे बताती है कि जैसे ही कोई नया किराएदार मिल जाएगा वह उसके डैड के साथ रहने के लिए चल सकती है। वहीं पे हम लोग अंकल म्यूचुअल को देखते हैं जहाँ पे उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। अब जब फिर वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बमपुल के डैड को किसी ने मार दिया था, यानी कि किसी ने उनका गला दबाया था जिससे उनकी मौत हो गई क्योंकि उनके गले की हड्डी टूटी हुई थी। अब यहाँ पे अंकल म्यूचुअल को शक हो जाता है कि जरूर यह काम प्रोफेसर का ही होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वे बमपुल के पास जाते हैं और वह उसे अपने डैड से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बमपुल मना करता है। तब वो अंकल म्यूचुअल काफी गुस्से में चले आते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे लेके जाती हैं। अब जब वहाँ पे बमपुल अपने डैड को देखता है तो काफी शॉक था। यहाँ पे ये दोनों पुलिस ऑफिसर भी चले आते हैं। अब यहाँ पे ये डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जिस प्रकार से यूजी का मौत हुआ था उसी प्रकार से बमपुल के डैड का भी मौत हुआ है। वहीं पे यूजी बार बार बमपुल को मैसेज करती है और लेकिन यहाँ पे बमपुल काफी उदास था, दुखी था, इसलिए वह उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। अब यहाँ पे यूजी काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बहुत सारे मैसेजेस करती है। लेकिन यहाँ पे बमपुल अपने डैड के फ्यूनरल में पूरी तरह से बिजी था और वो बहुत ज्यादा उदास था। थोड़ी देर के बाद अंकल म्यूचुअल जब बमपुल के मोबाइल को चेक करते हैं तो वे यूजी के मैसेज को पढ़ लेते हैं, इसलिए वे यूजी को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद यूजी दौड़ती हुई बमपुल से मिलने आती है।
अब थोड़ी देर के बाद जब यूजी बमपुल के डैड के फोटो को देखती है तो वो अंकल प्यूंचुल को बताती है कि 5 साल पहले भी वो उनसे मिल चुकी थी एक टेंपल में, और वो उन्हें बताती है कि जब 5 साल पहले वो उनसे मिली थी तो वो उन छोटा सा सामान दिया था और कहा था कि यह सामान उनके बेटे को दे दे। अब यहाँ पे अंकल प्यूंचुल उससे पूछते भी है कि उसमें क्या था और वो कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे यूजी को कुछ भी याद नहीं आता। तब अंकल प्यूंचुल उसे कहते हैं कि अगर उसे कभी भी याद आए तो वो जल्द से जल्द बताए, क्योंकि वो सामान बमपुल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोफेसर भी चले आते हैं, जिसके बाद अंकल म्यूचुअल उन्हें वहाँ से बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे कलर पकड़ते हुए गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पे कैसे चले आए। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर उनसे कहता है कि वो तो सिर्फ अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए आए। अब यहाँ पे अंकल म्यूचुअल उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि 5 साल पहले जो काला साया बमबुल के पीछे था और उसकी मॉम को मारा था, वो काला साया अब प्रोफेसर के साथ है। अब यहाँ पे प्रोफेसर अंकल म्यूनचुल से कहते हैं कि आखिर उन्होंने उसे बमपुल के बॉडी से बाहर ही क्यों निकाला था, अगर वे नहीं चाहते कि बमपुल मरे तो वो उसके रास्ता में ना आए। और यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब प्रोफेसर छोटे से बच्चे थे तो उन्हें बाहर के बच्चे काफी बुरी तरह से बलि करते थे और उन्हें काफी बुरी तरह से परेशान करते थे, जिसके बाद वह अचानक से वह काला से उनके अंदर चला जाता है और वह उस बॉक्स से अभी तक प्रोफेसर के अंदर है। जिसके बाद प्रोफेसर आगे कहते हैं कि अगर यह काला साया बाहर निकला तो बमपुल मर जाएगा और वह उसकी रास्ता में ना आए। जिसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर बुरी तरह से अंकल म्यूचुअल को पिटाई करने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे फिर कभी मिलेंगे और उनके गर्दन को अगली बार टेस्ट करेंगे, जिसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे दोनों पुलिस ऑफिसर को बमपुल के डैड के नाखून में ब्लड मिल जाता है, जिसके बाद जब वे मैचिंग करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह ब्लड और किसी की नहीं बल्कि प्रोफेसर के ब्लड ग्रुप से मैचिंग करता है। वहीं पे बमपुल अपने डैड के लेटर्स को पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन उसे जब यूजी मिलने आती है तो वो घर के बाहर ही रुक जाती है और उसकी इस प्रकार की हालत को देखने के बाद वो उसे नहीं मिलती और इमोशनल हो जाती है। अब जब यूजी अपने घर पे पहुंचती है तो उसकी मॉम बताती है कि यह घर पूरी तरह से बिक चुका है, जिसके बाद वे लोग गांव जाने वाले हैं। अब यहाँ पे यूजी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे यूजी की मॉम कुछ भी नहीं सुनती, जिसके बाद यूजी दौड़ते हुए बमपुल के पास पहुँचती है और वह उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे बमपुल को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से रो रो के उसका हालत खराब था। तभी यूजी बाहर से उसे कहती है कि वह अभी यहाँ से जा रही है, लेकिन वो बहुत जल्द लौट के आएगी। अब यूजी जब वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते में प्रोफेसर मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उसे चाय के लिए पूछते हैं और अपने क्लिनिक में ले जाते हैं। वहीं पे शाम को पुलिस ऑफिसर बमपुल के पास पहुँचते हैं और वो वहाँ पे पूछते हैं कि उसके डैड प्रोफेसर को किस प्रकार से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बमपुल पूरी तरह से शॉक था, जिसके बाद वह अंकल म्यूचुअल को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तब अंकल म्यूचुअल भी उसके पास आके उसे बता देते हैं कि प्रोफेसर के अंदर वही काला साया है जिसने बमपुल के मॉम को मारा था और वह यूजी के पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यूजी के पास वो सामान है जिसे उसके डैड ने यूजी को दिया था। अब यहाँ पे बमपुल डर जाता है और वह यूजी को कॉल भी करता है, लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब यूजी प्रोफेसर से बातें कर रहे थे तब प्रोफेसर उसे चाय देते हैं। अब अचानक से यूजी जब चाय पी के जाने लगती है तो उसे चक्कर आ जाता है, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और वो वहीं पर अचानक से बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह सब कारनामा और किसी के नहीं प्रोफेसर की है, और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।